अभी बहुत बड़ा खबर आ रहा है, 2024 से पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर होंगे और मनीष कश्यप फिर से बिहार आएंगे। वही बिहार जो मनीष कश्यप को बदनाम करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो मनीष कश्यप को छवि को बर्बाद कर रहे थे। लेकिन आप लोग एक बड़ी खबर बता दे कि मनीष कश्यप को लेकर जिस तरह से बीमारी लोग कहा जा रहा था, जिस समय में चड्डी पत्रकार कह रहा था, वही चड्डी पत्र कहने वाले उनको सलामी ठोकेंगे, वही मनीष कश्यप को वाहवाही करेंगे। आप सब सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कैसे विरोध किए थे मनीष कश्यप को और किस तरह से विरोध किया जा रहा था, लेकिन वही विरोधी आज मनीष कश्यप का समर्थक करने पर मजबूर हो रहा है, सपोर्ट करने पर मजबूर हो रहा है। वीडियो की क्या है जानकारी फुल देखिए, बाकी वीडियो को दबाकर अब ये कर दीजिए शेयर। एक मनीष कश्यप पत्रकार ने एक वीडियो की आज शेयर करते हैं, उस वीडियो को लेकर बहुत बड़ा मनीष कश्यप को दावा कर देते हैं, उस मनीष कश्यप को जेल में घुसा देते हैं। लेकिन एक गरीब बड़ी खबर आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो को तो शेयर करवे कीजिएगा, लेकिन मनीष कश्यप का आई वाली कितना हुई भी वीडियो रहे, आपका रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो को रुकना नहीं चाहिए, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, आपकी नई नई अपडेट आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। ये हम नहीं मनीष कश्यप का समर्थक की बात है। मनीष कश्यप का समर्थक का कहना है कि आप मनीष कश्यप का समर्थक में बनाइए वीडियो, बाकी हमारे ऊपर छोड़िए, और कैसे वीडियो वायरल होता है हम लोग वीडियो वायरल करके ही बताएंगे। लेकिन आप लोग बताना चाहते हैं कि ई2 चैनल पर कम से कम बदनाम करने वाले लाखों लोग भी आ चुके हैं, वो मनीष कश्यप को छवि को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं कि मनीष कश्यप का लाखों नहीं अब करोड़ों लोग उनकी समर्थक में आ चुके हैं। जिनकी लाखों करोड़ लोग उनकी समर्थक में हो, उनकी बाल बाका कोई कर ही नहीं सकता। आप समर्थक यात्रा देखे होंगे, बंदी यात्रा देखे होंगे, लोग स्यूट पर देखे होंगे, आप लोग ट्विटर पर देखे होंगे कि किस तरह एक मनीष कश्यप पत्रकार के लिए ट्रेन करवाए थे। आप भूल गए क्या? आप भूल गए उस दिन जो मनीष कश्यप कहते थे कि बिहार, यूपी, बिहार, झारखंड के लोग रोजगार के लिए भटकते हैं, हादसा होता है, पुल टूटता है, रोड टूटता है, वो सरकार अपने टैक्स के, दूसरे के टैक्स के पैसे के, गरीबों का टैक्स के पैसे से रोड बनवाता है, पुल बनवाता है, और आधा पैसा अपना झोली में भर देता है, उस गरीबों का दुख दर्द नहीं समझता है सरकार। समझने वाला था तो एक ही पत्रकार जिसका नाम है सन ऑफ बिहार, मनीष कश्यप पत्रकार, बाकी हम सभी अपडेट बताते हैं। मनीष कश्यप पत्रकार को भगोड़ा पत्रकार कहा गया, उनको इस तरह से पत्रकारिता किया गया जो पत्रकारिता पर सवाल उठाने वालों को पसीना गिर जाता था। ओ मनीष कश्यप, हम आप लोगों के सभी अपडेट बताएंगे कि मनीष कश्यप ऐसा पत्रकार था जो आजकल बड़े बड़े पत्रकार है उनको भी उतना लोग नहीं देखते थे जितना मनीष कश्यप को देखते थे। आखिर जानते हैं साहब भगौड़ा पत्रकार किस लिए कहा? जब गिरफ्तारी की मांग हुई थी, जब FOR हुआ था, गिरफ्तारी की मांग हुई थी, जब मनीष कश्यप अपना सच्चाई बताया जा रहा था और कह रहे थे कि आप बड़े बड़े पत्रकार उस मैसेज को नहीं शेयर किए हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल ने बताया था कि तमिलनाडु में किस तरह से मजदूरों को किस तरह से मारा जा रहा है, किस तरह से भगाया जा रहा है, वही तो सबूत दिखाया जा रहा था, वही तो सबूत पेश कर रहे थे, लेकिन उस दिन में कोई नहीं उनको सुना, ना वो लोग सुना जो आज मनीष कश्यप को गलत निगाहों को देखते हैं, गलत विचारों से देखते हैं। उस लोगों को वो चीज देखना चाहिए जब मनीष कश्यप कह रहे थे कि हमने नहीं, कम से कम 50 पत्रकार ने वो साबित किया था कि तमिलनाडु में मजदूरों लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन एक मनीष कश्यप ने एक वीडियो शेयर किए तो किसी पर नहीं सुनवाई हुआ, न किसी पर कार्रवाई हुआ, कार्रवाई हुआ तो सिर्फ मनीष कश्यप को लोगों पर हुआ। आखिर क्यों नहीं पूछेंगे? आखिर हम पूछेंगे, आज पूछेंगे, एक गरज कर पूछेंगे और चिल्ला कर पूछेंगे, वो लोग कहां गए, और वो लोग कहां गए बड़ी बड़ी हाकने वाले जो मनीष कश्यप को गलत समझ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सिस्टम से, क्या मनीष कश्यप ही पहले वीडियो को वायरल किए थे? क्या बड़े बड़े न्यूज चैनल ने, बड़े बड़े अखबारों ने वो का वीडियो शेयर नहीं किए थे, वो वीडियो में साबित नहीं किए थे? लेकिन
लेकिन दोस्तों ए भाइयों, मैं आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल से और बड़े बड़े न्यूज चैनल से जो भी खबर आता है उस खबर को मैं पुष्टि करता हूँ, लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ। तो क्या मेरा गुनाह हो गया क्या? वो बड़े बड़े चैनल पर, बड़े बड़े न्यूज चैनल पर FOR नहीं होना चाहिए, उनको जेल नहीं जाना चाहिए? लेकिन यहाँ तो मनीष कश्यप गरीबों का मसीहा को अंदर करना था, वो गरीबों का भगवान को अंदर किया जा रहा था, जो आजकल भीख मंगे को लोग भी कोई खाना पूछने वाला नहीं था, वो मनीष कश्यप ही पूछते थे। जब तो जैते जैते ने कह दिया, इतनी मनीष कश्यप को तंग कर दिया गया, उनको घर में कुप्ती जब्ती करवा दिया गया, तब रहा न गया मनीष कश्यप को, तब आया अपने माँ के साथ में लाइव और तब कहा कि मैं दोस्तों मैं खुद का गिरफ्तारी करवाने जा रहा हूँ और सच्चाई का हमेशा जीत होता है और होगा क्यों नहीं, क्योंकि मैं सब दिन सच्चाई पर लड़ा हूँ और लड़ते रहूंगा, चाहे हमें जान चल जाए लेकिन वचन नहीं जाए। दोस्तों मैं आप लोग को मैं सभी अपडेट बताऊंगा और सभी जानकारी भी बताऊंगा कि मनीष कश्यप जब जेल में गए तो लोग अफवाह उड़ाए कि वो फलाने नेता का बात कर दिया है, वो फलाने बाटा का कर दिया है, वो अकबक्की हो गया है, वो फिर कह रहा है कि पत्रकारिता नहीं करेंगे। लेकिन जैसा ही तमिलनाडु पुलिस ले जाती है मनीष कश्यप को, उस समय पूछा जाता है क्या आपने किसको भरोसा करते हैं, तो बोल दिए थे, साफ साफ कह दिए थे कि सब पर भरोसा कर लीजिएगा, कानून पर भरोसा कर लीजिएगा, लेकिन नेताओं पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि नेताओं ने जब तक किया है, जब गरीबों का लूटा है और इतना लूटा है।